सो हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल कंप्यूटर पोर्टल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने देखी कि आज हम देखेंगे हाउ टू रन जावा प्रोग्राम इन आवर फोन ऑफलाइन, यानी कि हम अपने फ़ोन में जावा का प्रोग्राम कैसे रन करा सकते हैं, वो भी ऑफलाइन। आपको इंटरनेट की ज़रूरत उसके लिए नहीं पड़ेगी, बस एक बार उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, फिर आप ज़िंदगी भर उसको यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सो गाइस, चलिए अब बिना टाइम गवाए वीडियो शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीख लेते हैं। सबसे पहले उसके लिए आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और यहाँ सर्च करना है जेवी ड्रॉइड। तो जेवी ड्रॉइड हम सर्च कर लेते हैं, जेवी ड्रॉइड तो हमारे ही आ गया, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाएगा जेवी ड्रॉइड नाम से। अब जो लोग पाइथन यूज़ करते हैं उन लोगों को मालूम होगा कि पाइथन के प्रोग्राम पाई ड्रॉइड में चलते हैं, इसी तरह जावा के प्रोग्राम जेवी ड्रॉइड में चलेंगे, राइट। तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, काफ़ी अच्छी रेटिंग्स है और डाउनलोड्स भी हैं 1 लाख के ऊपर। तो आपको इंस्टॉल कर लेना है, फिर इसके बाद ओपन करके मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको देखिए ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप अपने जावा के प्रोग्राम रन करा के देख सकते हैं, जैसे कि मैं एक प्रिंट करा के आपको दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ से यहाँ पे आप जितना हार्ड प्रोग्राम रन कराना चाहते हैं आप रन करा सकते हैं। अगर आप अपना कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं तो कीबोर्ड कनेक्ट कर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं फ़िलहाल अभी ऐसे ही आपको करके दिखा दे रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट मैं एक प्रिंट करा के दिखा दे रहा हूँ। जैसे तो हमने यहाँ पे टाइप कर लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कंप्यूटर पोर्टल, राइट। तो इससे क्या होता है आपको मालूम होगा कि ना प्रिंट हमारा हो जाएगा, मतलब आउटपुट हमारा आ जाएगा कंप्यूटर पोर्टल, राइट। तो वो आपको रन कराने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पॉज करने का जो बटन है यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना है स्टार्ट पे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये हमारा आउटपुट भी आ गया कंप्यूटर पोर्टल, राइट। तो अगर आप इसमें ना इंटरप्रेटर का भी यूज़ करना चाहते हैं, मतलब आप प्रोग्राम लिखें और तभी आपको आउटपुट मिले, राइट। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ मेन्यू बटन आप पे क्लिक करना है और यहाँ पे इंटरप्रेटर लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। यानी अगर आपको टर्मिनल का यूज़ करना है तो आप यहाँ पे टर्मिनल पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो अभी हम इंटरप्रेटर करके दिखा दे रहे हैं। अब यहाँ पर भी आपको जो प्रोग्राम लिखने हैं वो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ भी प्रिंट करा के दिखाता हूँ, तो वही हम सेम प्रोग्राम लिखेंगे। सो हमने ये लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कंप्यूटर पोर्टल, तो वो हमारा आउटपुट आना चाहिए कंप्यूटर पोर्टल। तो देख सकते हैं ये हमारा आउटपुट आ गया कंप्यूटर पोर्टल, राइट। अब हम इसके और कुछ फीचर्स बता देते हैं। अगर आपने को ना मतलब फाइल क्रिएट करनी है, एक न्यू फाइल क्रिएट करना है, तो जैसे यहाँ पे क्लास चेंज करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक न्यू बटन पर क्लिक करेंगे, जो आप जिस नाम से बनाना चाहते हैं उस नाम से इसको क्रिएट कर लेंगे, राइट। यहाँ पे देखिए जब आप सेव करने जाएंगे तो आपसे पूछ लेगा कि ना किस नाम से आप बनाना चाहते हैं, जैसे करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अलाउ कर देंगे, फिर यहाँ पे जहाँ पे भी आप सेव कराना चाहते हैं इसको सेव करा करके वहाँ आप नेम दे सके कर सकते हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया कि आप कैसे इसमें ना फाइल्स बना सकते हैं और जावा के प्रोग्राम कैसे रन करा सकते हैं। अब यहाँ पे आप किसी भी तरह जावा के जो भी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, जो आप पीसी में कर सकते हैं वही आप सेम टू सेम यहाँ पे भी कर सकते हैं, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पे और भी कुछ हैं फॉर्मेट कोड, अगर आपने कोड थोड़ा बहुत अगर सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ है, अगर आपको सीक्वेंस में चाहिए इसी फॉर्मेट में, तो आप इस पर क्लिक करके फॉर्मेट कोड का भी क्लिक कर सकते हैं, राइट। और आप यहाँ पे अंडू और रीडू और सर्च भी कर सकते हैं, या गो लाइन, अगर आप ज़्यादा प्रोग्राम लिखें तो गो लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें और जाएंगे तो आपको यहाँ प्रीमियर वर्जन भी मिल जाएगा, अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो इसकी तो ज़रूरत नहीं है, आप सभी प्रोग्राम ऐसे ही रन करा ले सकते हैं। और यहाँ पे भी सैंपल्स वगैरह है, अगर आप देखना चाहें तो इस सब पे देख सकते हैं, और सेटिंग्स भी है, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपने जावा के प्रोग्राम को कैसे फ़ोन में रन करा सकते हैं। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया कि आपको इंटरनेट अगर ऑफ भी की रहेंगे ना तो पर भी आप कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका ये प्रोग्राम रन करेगा। जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हैं ये हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है, इसको इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप जावा के प्रोग्राम अपने फ़ोन में रन करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई है और आपके हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।